दूध से दही बनता है, दूध से ही पनीर बनता है और दूध से ही घी बनता है। तीनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन तीनों अलग अलग होते हुए भी लगभग एक समान ही है। खाने में सबका स्वाद अलग अलग ही होता है। दूध से दही बनना बहुत ही आसान प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है, जबकि दूध से पनीर बनाने में थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ता है, थोड़ा समय लगाना पड़ता है। वही दूध से घी बनाने में आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। है तीनों का रंग लगभग सफ़ेद ही। दूध से जो दही बनता है उसका रंग भी सफ़ेद होता है और दूध से जो पनीर बनती है उसका रंग भी सफ़ेद होता है और दूध से जो घी बनती है उसका रंग भी सफ़ेद होता है। तीनों के जो दो दाम होते हैं वह बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दूध से दही बनने में थोड़ा सा मेहनत लगता है तो दही का जो दाम होता है दूध से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दूध से पनीर बनने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, ज़्यादा प्रोसेस बनाना पड़ता है, तो उसका दाम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और दूध से घी बनाने की प्रक्रिया थोड़ा लॉन्ग है और थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से उसको करना होता है, तभी जाकर अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा अमाउंट में घी बनता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो जितना ही ज़्यादा पीसती जाती है, जितना ही ज़्यादा दुख झेलती है, वो उतना ही ज़्यादा मैच्योर होती जाती है, उसका भाव उतना ही बढ़ते चला जाता है। अतः ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जब प्रॉब्लम्स आए तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करें, क्योंकि इंसान मुश्किलों में ही तो खुद को निखारता है, लेकिन जो इसे पहचानता है वही महान होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुख में घबरा ही जाते हैं। जन्म से ही हमारे मन पर पड़ने वाले दो प्रकार के प्रभाव हैं, तत्व और दूसरे मन का प्रभाव। ये दोनों प्रभाव कुछ ऐसे होते हैं जो मौत की सच्चाई और उससे जुड़ी सोच से ताकतवर हैं। जन्म से ही हम मनुष्य मौत को बाहरी तौर पर देखने के लिए आदि हो जाते हैं, क्योंकि वे प्रभाव जो जन्म से हमारे मन पर पड़ता है वे मौत और दर्द के प्रभाव से कई गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए मन मौत के बारे में कम ही विचार करता है। बाहरी दुनिया का यह प्रभाव कुछ ऐसा है जिसने हमारे मन और सोच को मौत की सच्चाई और उसके इलाज से अलग ही रखा है। बाहरी प्रभाव जन्म से ही हमें मौत की सच्चाई और उससे जुड़े सोच से अलग रखता है, जैसा कि अभी हमने बताया। ततः मतलब फिर भी जब कभी हम इस बारे में विचार करने का प्रयास करते हैं तब वह शक्तिशाली प्रभाव हमारे मन में उत्पन्न होने वाली मौत से जुड़े ख्यालों को दबा देता है। वे सभी ख्याल जो हमें मृत्यु आने का संकेत देते हैं, क्योंकि वे विपरीत प्रभाव से कमजोर होते हैं, इसलिए मन में मौत से जुड़े ख्याल और सोच कम उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बात यह है कि प्रगति सिंह, जिसकी की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी तब से लग रही है जब वो क्लास 9th में पढ़ती थी, लेकिन आज करीब 2020 है, यानी करीब करीब उसके 10 बरस बीत गए हैं। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया है लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। उसने बीए करा, एमए कराया, फिर भी उसकी शादी अभी तक नहीं लगी है। तो
इसका वजह क्या है? ऐसा नहीं कि उसकी हाइट खराब है, उसकी ब्यूटी खराब है, एवरीथिंग इज फिट। और वह उसके घर वाले पूरी कोशिश करते हैं, हर बार 3 से 4 इस तरह से लड़के आते हैं शादी के लिए, लेकिन कुछ भी फिट नहीं बैठता है। कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स हो ही जाती है और शादी टूट जाती है। और ऐसा हर साल होता रहता है। और करीब 10 साल बीत गए हैं, उसकी उम्र करीब 25 से 26 वर्ष की हो गई है, लेकिन अभी तक उसके शादी के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल तो यही चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? हर किसी के जो भाग्य की जोड़ी होती है वो भगवान ने अलग अलग बनाई है। किसी का बहुत जल्दी हो जाता है, किसी का बहुत बाद में। यह यूँ समझ ले, अगर इसे सफलता के तौर पर देखें तो कुछ लोग को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग को सफलता बहुत देर में मिलती है। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनको सफलता जल्दी मिलती है वे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, और जिनको सफलता बाद में मिलती है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या दुखी रहते हैं। हर चीज़ के अपने अलग मायने हैं। तो भगवान ने जुड़ियाँ बनाकर पहले से ही रखी है। अब शायद उसके नसीब में बहुत देर बाद शादी होना लिखा है, फिलहाल उसकी नहीं हो रही है। उसने बेकायदे, जैसा कि हमने बताया, एमए कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि उसके घर वाले प्रयास नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। घर वालों को चाहिए एक कामकाजी लड़का जो अच्छी खासी नौकरी करता हो, लेकिन बात बनती नहीं है। अगर कोई लड़का मिल भी जाता है तो बहुत ज़्यादा दहेज की मांग करता है, या फिर उसे बहुत ऊंचा स्टेटस चाहिए, जबकि लड़की बहुत ही नॉर्मल खानदान से है, उसके पापा किसान हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा शिक्षित लोग या ज़्यादा धनवान लोग इंसानियत की नज़र से नहीं गुजरते क्या? या यूं कह लें कि उन्हें ज़्यादा पैसे या ज़्यादा चकाचौंध करने वाली चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं सोचता क्या? जिंदगी हमेशा इंसानियत से चलती है। आपका प्रैक्टिकल व्यवहार कितना अच्छा है उसी से चलती है, न कि आपके एजुकेशनल बायोडाटा से। लेकिन आजकल का फॉर्मेट उल्टा है। आजकल लोग सोचते हैं एजुकेशनल फॉर्मेट चकाचौंध हो, एकदम भयंकर हो, बीटेक एमटेक या एमबीबीएस एमएस इस तरह से हो, और इसके साथ साथ स्मार्टनेस भी हो, हाइट भी हो और बहुत सारी चीज़ें, भले ही इंसानियत ना हो और भले उसका प्रैक्टिकल व्यवहार थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन वह चलेगा। तो इस तरह का पैटर्न आजकल की जो समाज में हाईली डेवलप्ड है, अच्छे ढंग से डेवलप्ड है, यह यूं कर ले पूरी तरह से डेकोरेटेड ढंग से डेवलप्ड है। अब इस डेवलपमेंट में नुकसान ये होता है कि लोगों के घर गृहस्थियाँ अच्छे ढंग से बसी नहीं पाती हैं। जिन लोगों को धार्मिक ज्ञान नहीं है, जो लोग धर्म के ज्ञान से दूर हैं, गीता बाइबिल इस तरह की चीज़ों से दूर हैं, उनमें थोड़ा सा व्यवहार में सादगी नहीं है, लचीलापन नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है जो परिवार को बांध सके या एक समाज को बांध सके, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी उनमें डेवलप्ड होती ही नहीं है। अब इस तरह की क्वालिटी डेवलप्ड क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब लोग इस तरह की चीज़ों को सीखने के लिए एक्टिव नहीं रहेंगे तो क्वालिटी अपने आप तो आएगी ही नहीं। तो यही वजह है। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि प्रगति सिंह की अभी तक शादी नहीं हुई है, और प्रगति सिंह भी जोर देती है अपनी तरफ से। वो भी चाहती है कोई से ऐसा लड़का मिल जाए जिसके उसके शादी हो जाए और आम लड़कियों की तरह वह भी अपना एक गृहस्थ जीवन जिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिलहाल दिन पर दिन निराशा बढ़ती ही जा रही है, और बढ़ना स्वाभाविक भी है। हर तरह, जैसे कि यह बिल्कुल सत्य घटना है, आप ऐसा ना सोचे कि यह बिल्कुल एक तरह की कोई कहानी है जिसे मैं सुनकर या देखकर बता रहा हूँ, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो निराशा जो होती है वो समय के अनुसार बढ़ती जाती है। जैसे कि आप कोई परीक्षा दें और इसमें बार बार फेल होते जाएँ, तो फिर ये होता है कि अरे यार
इसमें तो मैं क्वालिफाई होऊंगा ही नहीं, तो मैं क्या एग्जाम दूं। तो इस तरह से मन का भाव धीरे धीरे गिरने लगता है। उसी तरह अगर इसको भी एज ए कंसिडर किया जाए एज ए एग्जामिनेशन, तो भाई एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब मेनी टाइम्स ये प्रक्रिया बन जाती है, वो मन भी जैसे आदि सा हो जाता है, उसे भी लगता है कि अब लगता है कि नहीं ही होगा। तो फिलहाल ऐसा ही होता है। अब ऐसा किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा घटना किसी प्रगति सिंह के ही साथ होता है, बहुत सारे लोगों के पास होता है। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लड़कियां होती हैं, उनको अच्छे घर आने के लड़के नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो उनको डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आजकल की जो मैरिज होती है वह सादगी पर नहीं धन पर चलती है। धन, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आजकल कम ही लोग देखते हैं धन के आगे। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, लेकिन धन अगर चकाचौंध रहे तो फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर नॉर्मल है तो भी चलेगा। तो दुनिया में इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब यह मत सोचिए कि आपके घर ऐसा नहीं हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार में भी ऐसा हो सकता है। सोचिए कि प्रगति सिंह के साथ जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर वही आपके घर में हो प्रॉब्लम, तो आप इसका क्या सलूशन निकालेंगे? एक बार जरूर सोचिएगा। कोरोना वायरस की तरह थोड़ा सा उससे हट जाइए, क्योंकि कोरोना वायरस तो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना ज़्यादा स्ट्रांगली ढंग से उसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा उधर दिमाग हटाकर इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि प्रॉब्लम्स इस तरह के अगर आपके घर में क्रिएट हो तो आप क्या करेंगे। कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा।